एक्शन। तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग सीआईडी नो लॉजिक के पार्ट वन की अपार सफलता के बाद हम लोग लेके आए हैं पार्ट टू। अगर वीडियो आए पसंद तो कमेंट में लिखना बहुत खूब, वरना लिख देना कोई नहीं तुम्हारा भाई चलेगा। तो चलो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। ये वाली वीडियो देखने के बाद सीआईडी वाले जरूर बोलेंगे, भाई तू तो हमारे पीछे ऐसे पड़ गया है जैसे मैं कोई सच्चा कुत्ता हूँ और आप म्युनिसिपैलिटी के आदमी हैं। लेकिन क्या करूँ भाई, मैं तो कंटेंट बनाता हूँ, बुरा अपने आप ही लग जाता है। देखो ये मत समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम लोग खुद सोचो आज तक तुमने कैसे कैसे भूत देखे होंगे। ऐसा भूत जिसका सर ना हो या ऐसा भूत जिसका शरीर ना हो, लेकिन तुमने कभी ऐसा भूत देखा है जिसके केवल पैर हो और उसके पैर अपने आप चलते हो? कटे हुए पैर चलते हैं, कैसे हो सकता है? अरे भाई लोगों विश्वास तो मेरे को भी नहीं हो रहा था, लेकिन तभी मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिला। लगता है इस भूत को पोलियो हो गया था, इसलिए केवल टांगे विकसित हुई शरीर नहीं हुआ। ऐसा तुम लोगों को लगता है क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें इस टंगरिया के अटरिया से भी मिलवाया जाता है, यानी कि इस पैरों के मालिक से। प्लीज, एक तो मुझे कभी समझ में नहीं आता ये भूत लोग फोकट में इतना हंसते क्यों हैं? क्या कपिल शर्मा शो के जज बनना चाहते हो क्या? नहीं तुम ही बताओ, एक ऐसा भूत जिसकी टंगरिया उससे इतनी दूर खड़ी है जिसे कुंवारे लड़कों से छुकरिया, और ये फालतू में हंस रहा है। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे भाई सीआईडी में तो भूत होता ही नहीं है, तो ये भूत कैसे आया? अरे सीआईडी में भूत ही तो नहीं है, पर टेक्नोलॉजी एक नंबर है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये वाला भूत इस छोटे से डिवाइस से बनाया गया है। शायद उस आत्मा की इमेज इसी से बनाई गई। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन नहीं है। क्या 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 बोला, कौन सी मशीन? 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन नहीं है। अरे चचा, अगर इतनी छोटी सी मशीन से ऐसा भूत बना सकते तो लोग 3D पिक्चर डर के मारे हॉल में देखने नहीं जाते। क्या पता थैनोस एवेंजर्स की जगह पब्लिक को पीट रहा होता। भाई कसम से सीआईडी वालों की साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। Wait. साइंस ने वाकई बहुत तरक्की की है। अरे रुको, अभी कुछ लोग ये मत समझने लगना कि ये दोनों पैर भी इस मशीन से बनाए गए थे। नहीं नहीं, क्योंकि इसकी अलग टेक्नोलॉजी है। दरअसल एक दिन हमारे सीआईडी वाले कर रहे थे मुजरिम की खोज, तभी उनको मिल जाते हैं ये दोनों पैर जो कि चलते थे विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल। इस रिमोट के ऑर्डर पर ये जूते चलते होंगे। क्या फिजूल की बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है, इस रिमोट से दोनों जूते, अबे ये तो सच में चल रहे हैं। ये भगवान, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इन सीआईडी वालों को मिल कहां से जाती है? ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है। वैसे कुछ भी हो, हमारे सीआईडी वाले होते बहुत समझदार है, इनकी समझदारी दिखाता हूँ। एक बार हमारे सीआईडी वाले कर रहे थे तफ्तीश, तभी उनको एक आदमी मिलता है जिसको लगी है गोली। अब गोली लगी है तो उसका सबसे बेस्ट इलाज क्या होगा? क्या पानी? हाँ भाई सही बात है ना, एम्बुलेंस तो कांटा लगने पे बुलाई जाती है। अब तुम ही बताओ, बंदे को गोली लगी और वो क्या पानी से होश में आ गया? हे भगवान, आजकल क्या देखना पड़ रहा है, गोली का इलाज पानी से किया जा रहा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल, अरे कितना बड़ा ऑपरेशन था। तुम्हारी हालत कैसे की? तुम अंदर अलमारी के अंदर कैसे पहुंच गए? उसके ये लो, ये बंदा टपक गया। वो कहते हैं ना, दूबे चले डॉक्टर बनने और दूधिया बन के वापस आ गए। अब समझ में नहीं आता ये बंदा मरा किसकी वजह से, उसने जिसे इसे गोली मारी, मुझे नहीं पता, या फिर इन सीआईडी वालों ने जो इसका पानी से इलाज कर रहे थे, मुझे नहीं पता। सर इस सीन के बाद क्या होगा? नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे कि दो सीआईडी ऑफिसर वीडियो कॉल पे कर रहे हैं चैटिंग, जैसे करना चाहते हो सेटिंग, और ये वाले चचा अभिजीत सर को अपना नया घर दिखा रहे हैं वीडियो कॉल पे। लेकिन तभी वीडियो कॉल करते करते हो जाता है अनर्थ, क्योंकि चचा को कोई पीछे से मार देता है चाकू और चचा जाते हैं टपक। चचा को चक्कू लगाए लेकिन कैमरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा के ही मरेंगे। लगता काजू का फेनी मारा है बुड्ढा। पर भाई लोग, द क्वेश्चन इज, ये तो लाइव वीडियो कॉल थी और लाइव वीडियो कॉल पे चचा को चाकू मारा किसने मारा चाकू?
लेकिन तुम तो वीडियो चैट कर लेते ना उनके साथ। अब मैं मेरे सामने थे, अचानक ये चाकू कहाँ से आया, कैसे लग गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वैसे कतल को तो मैंने भी नहीं देखा, मैं भी वीडियो कॉल देख ही रहा था। क्या भाई लोग तुम लोगों ने देखा नहीं ना? वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कतल इसी कमरे में, जिस कमरे को चचा अभिजीत सर को दिखा रहे थे। चलो तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, कतल को ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि कतल तुम्हारी नजरों के सामने ही है। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। बस बस भाई लोग, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस कातिल को ढूंढने के लिए जो आंखें चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, केवल सीआईडी के पास है। अब देखो कातिल कहाँ छुपा था। क्या हुआ, मिल गया कातिल? आई नो मुझे बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है कमेंट में, पर भाई लोग मैं क्या करूं, मेरे को भी पहले ये वाला क्लिप दिखाया गया था, बाद में ये वाला क्लिप। अब जैसा मुझे टॉर्चर किया गया है, सोचा तुमसे थोड़ा दुख बांट लूं। ओ चूना लगा दिया। वैसे ये बंदा है बड़ा निराला, कभी कारपेट बन के सीआईडी पे हमला करता है और कभी कभी झाड़ पत्ते पहन के सीआईडी के पीछे से मारता है। वैसे भाई लोग कुछ भी हो, ये सीआईडी वालों का केस करने का तरीका बहुत निराला है। इतना आईक्यू लगाते हैं कि इनके सामने गधा भी समझदार दिखाई दे। अब इस सीन में देखो, सीआईडी को एक लाश मिलती है और लाश के साथ एक क्लू मिलता है। मुझे इसके शरीर पर ये दांत के काटे हुए के निशान मिले। अरे तेरे दांतों के निशान। मगर सर, लाश को इस तरह से दांतों से काटने का क्या मतलब है? ताकि इस निशान के जरिए हम उस आदमी तक पहुंच सके। अच्छा, तो खूनी चाहता है कि सीआईडी उसे पकड़ ले, और सबसे बड़ा सुराग कि खूनी के दांत। अरे तेरे दांतों की निशान। भाई लोग बस यही नहीं, जिसने इस मुर्दे को काटा है उसको तंबाकू खाने की लत है। मैंने इस दांत के काटे हुए से सलाइवा टेस्ट, और मुझे ये पता चला है कि जिस किसी ने भी इसे काटा है उसे तंबाकू खाने की जबरदस्त आदत थी। तंबाकू की लत और एक सुराग। Now, as per rule of CID law, दुनिया में और किसी के दांत तो टेढ़े मेढ़े हो ही नहीं सकते, और गुटखा तो केवल अजय देवगन खाते हैं, तो खूनी को ढूंढना एकदम आसान है। जी कहिए। जी मैं CID से हूँ। इस आदमी के दांत कुछ आड़े टेढ़े हैं क्या? बहुत तंबाकू खाता है। अरे एक नंबर का तंबाकू खोरे। बहुत तंबाकू खाता है। एक नंबर का तंबाकू खोरे। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ ना, तो फिर CID को वो बंदा मिल जाता है जिसके दांत है टेढ़े मेढ़े, और वो भी कहां, सड़क पे पड़े हुए। तुम मर गया सर? कहीं है गरम तो नहीं? इसके दांत देखो, आड़े तेरे। अरे ये तो गरम ही है। तो भाई लोगों, तालियां तालियां तालियां, क्योंकि सीआईडी ने केस को सुलझा दिया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और भाई सही बताऊं, ये सीआईडी वाले ऐसे दिमाग लगाने वाले चमत्कार हमेशा करते रहते हैं। एक बार पूरे शहर में विंडो एसी में ब्लास्ट हो रहे थे जिससे लोग मारे जा रहे थे, तो इन सीआईडी वालों ने एक एसी ऑर्डर कर लिया और उसे चालू करके उसकी हवा खाने लग गए, और हवा भी कैसे खा रहे हैं, जैसे चरम सुख मिल रहा हो। भाइयों ऐसी चकल बनती है जब घंटों रोका हुआ पेशाब एकदम से निकलने लगे, और ये सीआईडी वाला भूल गया है क्या, ये ऐसे एसी के सामने खड़ा है जो कभी भी ब्लास्ट हो गया। वैसे ये तो होना ही था ना, तुम विंडो एसी को इंडोर में लगा के मजे लोगे तो ब्लास्ट ही होगा। मेरे ज्ञानी, गूगल किया? अरे नहीं भाई, ये सीआईडी शो है, यहाँ पे सब कुछ ब्लास्ट ही होता रहता है। एसी तुम्हारे सामने ब्लास्ट हुआ, कभी कभी तो खाने वाला केक भी ब्लास्ट हो जाता है, और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो सीआईडी में क्रिकेट की बॉल भी ब्लास्ट हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लगता है ये सीआईडी वाले सारे सामान अलकायदा की वेबसाइट से मंगाते होंगे, तभी ऐसे ब्लास्ट होते हैं। कुछ भी हो सकता है यार। और एक बड़े पते की बात बताता हूँ कि ये सीआईडी शो इतना फेमस हो चुका है कि आजकल एलियन लोग भी हॉलीवुड छोड़ के सीआईडी में आने लगे। सबसे अच्छी बात बताओ, हमारा ये देसी एलियन हिंदी में बात भी करता है। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अब तो तुम्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए। ये तुम्हें भी अजीब लग रहा है? मुझे भी। इस एलियन की शक्ल ऐसी लग रही है जैसे इसने मुंह में गुटखा दबा रखा हो। अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसका इनाम तुमको जरूर मिलेगा। लगता है इंडिया में घुसते ही विमल का चस्का लग गया। और हाँ, इस गुटखाधारी एलियन के पास एक उच्चतम तकनीक वाली बंदूक भी है जिसमें से लेजर बीम निकलती है। नहीं कर सकते। पर भाई लोगों, जब तक आप ये समझो कि ये असली का एलियन है, तभी हमें पता चलता है असल में ये तो एक रोबोट है। रोबोट? जी हाँ, जिसे इन दोनों ने बनाया है। और रीजन जानना चाहते हो क्यों? मैंने और संजय ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी,
अंतरिक्ष और एलियंस पर। हमने सोचा एलियंस की कहानी पे यकीन करने के बाद लोगों में हमारी फिल्म की बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी। देख रहे हो भाई लोग, इन्होंने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए एक रोबोटिक एलियन ही बना डाला। अरे इससे बढ़िया तो केआरके को ले लेते, कम से कम एलियन पर से विश्वास तो ना उठता। और भाई सही बताता हूँ, कभी कभी अगर मेरा कार्टून देखने का मन करता है ना, तो मैं इनका शो देख लेता हूँ। भाई ऐसे ऐसे VFX डालते हैं कि कार्टून नेटवर्क की कमी नहीं लगती है। देख रहे हो टाइगर का ऐसा CGI बनाया तो बनाया, लेकिन दिखाना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शेर इस आदमी पे हमला कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके साथ नाजायज संबंध बना रहा है। आला मिल जानम, आला बूटा मतलब ना गुलाब का फूल। बस भाई ये सब और तो मेरे साथ झेलना नहीं चाहेगा। तुम लोग और झेलना चाहते हो तो कमेंट में Part 3 लिख देना। बाकी ये मत बोलना कि वीडियो लेट आ रही है, क्योंकि तुम लोगों ने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। पहले जाओ उसे सब्सक्राइब करो, वहाँ पे भी वीडियो आ रही है, मजा डबल ही मिलेगा, चिंता ना करो। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता ही देना भाई लोग। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।